So now we have question number 5, the coordinates of the points P, Q, R, ठीक है, R 0.4, 2.5 and 3.3 respectively. Prove that triangle PQR is an isosceles right angled triangle, ठीक है. So हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्रेंगल PQR है वो isosceles right angled triangle है, ठीक है. अब ये ट्रेंगल कौन सा होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है. सो लाइक दिस, सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, ठीक है. सो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा कि PQ इज इक्वल टू QR, ठीक है, एंड एंगल PQR इज 90 डिग्री, ठीक है. सो देखो हमारे पास P पॉइंट गिवन है 0.4 एंड Q गिवन है 2.5 एंड R गिवन है 3.3, ठीक है. तो सबसे पहले हम PQ डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो PQ इक्वल टू होगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0 मींस 4, ठीक है, एंड 5 माइनस 4 होगा 1, सो 1 का स्क्वायर 1, सो ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 5 यूनिट. नाउ क्यू आर निकालेंगे हम, क्यू आर इक्वल टू होगा QR इक्वल टू होगा अंडर रूट, ये देखो अंडर रूट x2 माइनस x1, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर. सो 3 माइनस 2 होगा 1, सो 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 3 माइनस 5 होगा माइनस 2 एंड माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस 4, ठीक है. तो ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 5 यूनिट. तो यहां से हमने प्रूव कर दिया, हेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है. सो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है. नाउ अब हमें प्रूव करना है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो 90 डिग्री है, ठीक है. सो ये हम प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस होती है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है. तो हमें प्रूव करना है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है. नाउ यहाँ पे एच इक्वल टू है अपने पास, एच विल बी दिस होल डिस्टेंस पी आर, ठीक है, एंड जो अपने पास परपेंडिकुलर होगी वो होगी पी क्यू एंड जो बेस होगा वो होगा क्यू आर, ठीक है. सो सबसे पहले हम निकालेंगे पी आर. सो पी आर हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज आर, सो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये आएगा अपने पास 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, सो 3 माइनस 4 का स्क्वायर. सो अपने पास आ जाएगा ये 3 माइनस 0 मींस 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, सो माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, सो अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 10, ठीक है. नाउ देखो पी आर का अगर हम स्क्वायर करेंगे सो वी गेट 10, ठीक है, एंड क्यू आर का स्क्वायर करेंगे सो वी गेट अंडर रूट 5 का स्क्वायर, सो विच विल बी 5, एंड ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होगा अपने पी क्यू के स्क्वायर, ठीक है. सो यहां से हम लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर
इज इक्वल टू द क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखो पी पी आर का स्क्वायर है 10 एंड क्यू आर का स्क्वायर अपने पास कितना है 5 एंड पी क्यू का स्क्वायर कितना है 5, तो ये अपने पास हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, ये वेरीफाई कर दिया हमने, ठीक है। सो हेंस हेंस एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, ठीक है। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ये ट्रेंगल पी क्यू आर है वो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है।